दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, विनर्स एंड लूजर्स। लेकिन जिंदगी हर लूजर को वो एक मौका जरूर देती है जिसमें वो विनर बन सकता है। दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर दिवाली पर रिलीज होने वाली यह शाहरुख खान की 12वीं फिल्म है। फिल्म में सोनू सूद के द्वारा निभाए रोल के लिए पहले विद्युत जामवाल और विवेक ओबेरॉय पर विचार किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल को ठुकरा दिया था। फिल्म के पार्टी सीन में जब दीपिका और शाहरुख खान की एंट्री होती है तो दोनों की ओम शांति ओम फिल्म का गाना आंखों में तेरी बैकग्राउंड में बजता है। फिल्म में टीम डायमंड को मोटिवेट करने वाली दीपिका की स्पीच शाहरुख खान की चक दे इंडिया फिल्म की स्पीच 70 मिनट से प्रेरित है। फिल्म में दीपिका का नाम और उनकी एंट्री माधुरी दीक्षित की फिल्म तेजाब में उनके नाम और एंट्री जैसी ही है। नॉनसेंस की नाइट गाने के बोल फराह खान ने खुद लिखे हैं। शाहरुख खान का रोल पहले आमिर खान को ऑफर किया गया था। फिल्म पर काम करने का विचार 2005 में किया गया था, जिसके बाद फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी। अगर फिल्म के काम की शुरुआत में देरी नहीं हुई होती तो यह फिल्म दीपिका पादुकोण की पहली फिल्म होती। इस फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण को ऑफर ओम शांति ओम फिल्म से पहले ही मिल गया था। चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म की भांति इस फिल्म में भी मुख्य अभिनेत्री का नाम फिल्म के कास्ट में सबसे आगे रखा गया है। फराह खान की अन्य फिल्मों की तरह इस फिल्म में अंत में सभी कास्ट और क्रू मेंबर को दिखाया गया है। हैप्पी न्यू ईयर ने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण एंट्री की थी और यह उस समय की सबसे ज्यादा एक दिन में कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इसके अलावा विदेश में भी इस फिल्म ने उस समय की दूसरी सबसे ज्यादा पहले वीकेंड पर कमाई करने का खिताब जीती थी। सप्ताह के बाकी दिनों में भी कलेक्शन की वृद्धि को बरकरार रखते हुए हैप्पी न्यू ईयर फिल्म ने एक ही हफ्ते के अंदर 130 करोड़ रुपए कमा लिए थे। विदेशी मार्केट में उम्दा प्रदर्शन करने के साथ फिल्म ने दुनिया भर की कमाई 300 करोड़ रुपए कमाने का कीर्तिमान प्राप्त किया था। चार सप्ताह तक इस फिल्म ने निर्देशक का भरपूर मनोरंजन किया है। इसके बाद इस फिल्म की कलेक्शन में गिरावट आने लगी थी। चार सप्ताहों तक इस फिल्म ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था। इसके बाद इस फिल्म की कलेक्शन में गिरावट आने लगी थी। लेकिन अपनी रिलीज के बाद की यात्रा में हैप्पी न्यू ईयर फिल्म ने देसी और विदेशी मार्केट में कई रिकॉर्ड कायम किए थे। इसमें अभिषेक बच्चन, नंदू भिड़े का रोल निभा रहे हैं शाहरुख खान, चंद्रमोहन मनोहर सरना का रोल निभा रहे हैं दीपिका पादुकोण, मोहिनी जोशी का रोल निभा रही हैं और सोनू सूद कप्तान जगमोहन प्रसाद का रोल निभा रहे हैं। अगर बात करें इसकी कहानी की तो चार्ली अपने पुराने दुश्मन से बदला लेने के लिए अपनी टीम के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेता है। चार्ली यानी शाहरुख खान, इस बदला लेने के पीछे क्या कारण है, क्या वह अपने इस काम में सफल हो पाएगा, यह इस मूवी में दिखाया गया है। यह मूवी रिलीज हुई थी 24 अक्टूबर 2014 को। इसमें कलाकार थे दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन। इसको निर्देशित किया था फराह खान ने। यह मूवी 150 करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इसकी कुल कमाई 343 करोड़ हुई थी। यह मूवी कॉमेडी ड्रामा और एक्शन पर आधारित थी। दोस्तों, बॉलीवुड और मूवी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।